अब अगली खबर मुंबई से है, जहां मुंबई में एक अवार्ड शो में गुजरात के मशहूर बिजनेसमैन रिजवान आरतिया, जो कि साउथ अफ्रीका सहित कई देशों में व्यापार चला रहे हैं, उन्हें एजुकेशन सेक्टर में बेहतर कार्य करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई में एक अवार्ड शो में गुजरात के मशहूर बिजनेसमैन रिजवान आरतिया, जो कि साउथ अफ्रीका सहित कई देशों में व्यापार चला रहे हैं, उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। रिजवान आरतिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब तक 3 से 4 बार मीटिंग कर चुके हैं और देश के विभिन्न राज्यों में समाज हित के काम चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी प्रमुख हैं। अभी हाल ही में सीनियर सिटीजन को लेकर भी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हजारों सीनियर सिटीजन की उपस्थिति देखी गई। अवार्ड मिला है वो बोल सकता हूँ कि सारे लोग रियल हीरोज थे, अलग अलग एरियाज के अंदर जो सालों से अपने देश की, अपने देशवासियों की सेवा कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, उन लोगों के साथ स्टेज शेयर करके, और उन लोगों के साथ जो अवार्ड का सम्मान मिला उसे बहुत खुश हूँ आज मैं। सर, अड़तिया फाउंडेशन की बात करें तो किस प्रकार की संस्था है, लोगों के लिए क्या कुछ हो रहा है अड़तिया फाउंडेशन के साथ मिलकर? रिजवान अड़तिया फाउंडेशन बहुत सारे एरियाज में काम कर रहे हैं, अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर। बस आज जो अवार्ड दिया गया है स्पेशली बोल सकता हूँ कि वो एजुकेशन को लेके दिया गया है, कि जो बहुत सालों से हम लोग बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का भविष्य का अच्छे भविष्य के लिए, और जो एजुकेशन में हम लोग फोकस से काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवार्ड मुझे मिला है।